वेलकम स्टूडेंट्स, मोर ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आज हम जो है वो अपना सेकंड पार्ट देख रहे हैं, जो कि जिसमें हम रिजिड बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. रिजिड बॉडीज, जैसे कि अगर हम रिजिड बॉडी को डिफाइन करें तो हमारे पास रिजिड बॉडी वो बॉडी होगी जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो है वो एक पर्टिकुलर जो है पोजिशन अटेन करते हैं, यानी कि उनकी उनकी जो पोजीशन होती है उस वो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे होती है. अगर देखें, यहाँ मैंने आपको एक रिजिड बॉडी दिखाई है जो कि ग्रीन कलर से शो की गई है. अगर आप देखें, यहाँ हमारे पास जो कोई भी बॉडी जो है स्टूडेंट्स, वो मास एटम से मिलके बनी है, ठीक है, और एटम का कोई मास है और एटम्स मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. अगर हम देखें तो यहाँ अगर मैं डिफरेंट कुछ मॉलिक्यूल्स कंसिडर करूँ, जिस तरह से एक ये मैंने मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया, एक ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, फिर इसी तरह एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल्स है, मैं तीन मॉलिक्यूल्स मैंने कंसिडर कर लिए हैं इसके अंदर, रिजिड बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि एन नंबर आप कह सकते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. लेकिन अगर हम सिर्फ तीन की बात करें तो हम ओवरऑल जो है वो उसकी बात कर सकेंगे. अगर हम देखें कि यहाँ हमारे पास डिफरेंट जो मतलब कि मैसेज हैं, मॉलिक्यूल्स के मैसेज हैं, उनका डिस्टेंस जो है सेंटर से डिस्टेंस, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो पॉइंट जहाँ पूरी रिजिड बॉडी का जो है वो वेट एक्ट करता है, ठीक है, उससे हमारा डिस्टेंस अगर हम देखें, जैसे अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की मेरे पास मास एम वन था, इसका डिस्टेंस सेंटर से जो है वो आर वन होगा. इसी तरह ये वाला जो मास है, इसका डिस्टेंस अगर मैं एम टू मास से कहती हूँ तो इसका डिस्टेंस सेंटर से आर टू है. इसी तरह अगर ये वाला मास मैं कंसिडर कर रही हूँ तो इसका डिस्टेंस, अगर ये एम थ्री मास है स्टूडेंट्स, तो इसका डिस्टेंस सेंटर से आर थ्री है, ठीक. इसी तरह हमारे पास हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिस्टेंस जो है सेंटर से वो डिफरेंट होगा. और अब अगर हम देखें कि हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था स्टूडेंट्स, कि हमने जो टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट की थी, यानी कि जो टर्निंग इफेक्ट अगर किसी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बॉडी को जो है रोटेशन इसमें परफॉर्म करती हूँ, यानी कि इसमें कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस आता है और ये एक एंगुलर एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करती है स्टूडेंट्स, तो उसमें जो स्मॉल मैसेज हैं वो भी एक एंगुलर इफेक्ट जो है उनमें प्रोड्यूस होगा, यानी कि उनमें भी एंगुलर मोशन आएगी, जिससे हम कह सकते हैं कि अगर मैं स्मॉल मैसेज जो है, यानी कि ये जो मैसेज है M1, M2, M3, इनके अंदर भी एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. और अगर एक स्मॉल मैस की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो वो हमें क्या, हम उसको क्या कंसिडर करेंगे कि एक पॉइंट पार्टिकल कंसिडर करेंगे, ठीक है, जिसके लिए हमने टॉर्क की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या आई थी, एम आर स्क्वेयर एल्फा आई थी, ठीक है. इस फॉर्मूले को यूज करते हैं मैं हर स्मॉल मैस की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ. जिस तरह से अगर मैं एम वन मैस की वैल्यू कैलकुलेट करूँ स्टूडेंट्स, तो वो मेरे पास टॉ वन जो है वो क्या आएगी, एम वन आर वन का स्क्वेयर इंटू एल्फा वन, यानी कि एल्फा वन जो इसमें जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है स्टूडेंट्स, यानी कि इसने जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है वो एल्फा वन प्रोड्यूस किया, और इसका डिस्टेंस जो है वो आर वन है और इसका मास एम वन है. तो वो सारी वैल्यूज जो है वो मैंने इसके जो है टॉ वन में वैल्यूज में पुट कर दी है. इसी तरह जो है स्टूडेंट्स, यानी कि मैं एम टू मैस के लिए भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, यानी कि टॉ टू मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, एम टू आर टू का स्क्वेयर इंटू एल्फा टू. और इसी तरह मैं जो है थर्ड मास, यानी कि M3 मास के लिए भी टर्निंग इफेक्ट, यानी कि टॉ थ्री की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकती हूँ, M3 R3 का स्क्वेयर इंटू एल्फा थ्री. ये इसी तरह स्टूडेंट्स मैं सारे मैसेज, यानी कि ये तो मैंने सिर्फ तीन मैसेज आपको एज एन एग्जांपल दिखाए थे, इसी तरह मैं इसमें जो है एन नंबर ऑफ मैसेज के लिए जो है इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकती हूँ. अब क्योंकि मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने इस पूरी रिजिड बॉडी का जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, या फिर आप कह सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट टॉर्क जो है मैं इसमें निकालना चाहती हूँ, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स वो इस पूरी रिजिड बॉडी का निकालना चाहती हूँ. तो उसके लिए मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स, कि मैं इन सारे टॉर्क्स को क्या करूंगी, सम अप करूंगी, ठीक है. सम अप करने का क्या मतलब है, कि मैं टॉर्क टोटल फाइंड आउट करना चाह रही हूँ. टॉर्क टोटल जो है वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, एम वन आर वन का स्क्वेयर इंटू एल्फा वन प्लस एम टू इंटू आर टू का स्क्वेयर इंटू एल्फा टू प्लस एम थ्री इंटू आर थ्री का स्क्वेयर इंटू एल्फा थ्री और अप टू सो ऑन, यानी कि एन नंबर ऑफ मैसेज तक जो है ये वाली बात जो है वो कंटिन्यू रहेगी. जितने मेरे पास मैसेज हैं इसके अंदर, उतने मेरे पास ये जो है टॉक जो है वो एडअप हो जाएंगे. अब क्योंकि अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एन नंबर ऑफ मैसेज है, तो मेरे पास एन जो टॉर्क होगा, एनथ टॉर्क जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, एम एन आर एन का स्क्वेयर इंटू एल्फा एन, ठीक है.
अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसके अंदर 100 फॉर एग्जाम्पल मैसेज है, तो मेरे पास एन जो है वो 100 होगा। ठीक, अब इसी चीज को अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास, हमने जो एंगुलर एक्सेलरेशन में भी ये बात पढ़ी थी कि जब हमारे पास एक रिजिड बॉडी होती है, जिस तरह से अगर मैं यहाँ रिजिड बॉडी एक कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, ये उसका सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड जो है ये रोटेशन परफॉर्म कर रही है, तो हमने ये देखा था कि हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स, वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। जिस तरह से अगर मैं देखूँ कि ये अगर सेंटर पॉइंट है इसका, मैं ब्लैक कलर से शो कर देती हूँ, ये अगर इसका सेंटर पॉइंट है जिसके अलोंग ये अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में ड्रॉ करूँ स्टूडेंट्स, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड ये रिजिड बॉडी जो है रोटेट कर रही है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये जी एक्सिस के अराउंड जो है, जी एक्सिस के अराउंड जो है अपनी रोटेशन परफॉर्म कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो अलोंग द जी डायरेक्शन होगी। ठीक है, जिससे मुझे पता चलता है कि इस होल रिजिड बॉडी की जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, अल्फा की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द जी है, और इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास सेम होगी, यानी कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 के बराबर होगा, इसलिए कि ये सारे जो मैसेज हैं ये सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं और उनकी डायरेक्शन भी हमारे पास क्या है, सेम है, जिससे मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास क्या बन जाता है कि टॉ टोटल, अगर मैं यहाँ लिखूँ स्टूडेंट्स के टॉ टोटल जो है वो हमारे पास क्या बन गया है, एम वन आर वन का स्क्वेयर प्लस एम टू आर टू का स्क्वेयर प्लस डॉट 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 प्लस एम एन आर एन का स्क्वेयर। ठीक है, और अल्फा मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के साथ मैंने जो है उसको बाहर निकाल दिया है, जिससे जो कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो इसका अल्फा पूरी रिजिड बॉडी का होगा वही सेम मास, वही सेम एंगुलर एक्सेलरेशन होगी इन स्मॉल मैसेस की भी, यानी कि एम1 की भी एम2 की भी सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से पूरी रिजिड बॉडी जो है वो रोटेट करेगी। ठीक है, तो मेरे पास ये जो है वो टॉट टोटल की वैल्यू आ गई। अगर हम देखें कि ये जो मेरे पास एक सीरीज की फॉर्म में मैसेज एम आर स्क्वेयर जो है वो एडअप हो रहे हैं, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके जो है वो किस तरह से लिख सकती हूँ स्टूडेंट, समेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, यानी कि समेशन जो है वो आई इज इक्वल टू वन से एन तक जा रही है, यानी कि वन से स्टार्ट हो रही है और एन पे एंड हो रही है, क्योंकि सीरीज की फॉर्म में ये लिखा गया है, और एम आई इंटू आर आई का स्क्वेयर। ठीक है, आई जो है वो आपके पास वेरिएबल है, यानी कि वो वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, और वो एन तक जाएगा, जो कि आपको समेशन में नजर आ रहा है। समेशन क्या है स्टूडेंट्स, कि इन सब वैल्यूज को एड अप कर देना। ठीक है, और ये हमारे पास इनटू अल्फा जो है वो एज इट इज आ जाएगा, और स्टूडेंट्स ये जो टर्म है, यानी कि ये जो यहाँ मैंने लिखी है समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई इनटू आर आई का स्क्वेयर, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाती है, आई, यानी कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास फॉर अ रिजिड बॉडी, ये हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिजिड बॉडी, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है कि हमारे पास अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी होगी तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होगा। अब उसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल देती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाता है, टॉ इज इक्वल टू आई एल। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये किस तरह से हमारे रोटेशन में अफेक्ट करता है, कि उसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ, कि जिस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास क्या है कि एक डंबल है पकड़ी हुई है एक आदमी ने, और ये स्टूडेंट्स जिस तरह से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फिगर में जो दिखाया गया है कि आपके पास जो उसने जो मैन ने जो है इस डंबल्स को जो है वो सेंटर से लिफ्ट अप किया हुआ है। ठीक है, सेंटर पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है इस पूरे रॉड का। अगर हम देखें इसे सेंटर से इसके जो वेट तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आर जो डिस्टेंस है वो इस केस में स्मॉल है। जब इस केस में वो स्मॉल है तो अगर हम देखें तो हमारे पास आई जो है वो एम आर स्क्वेयर के बराबर होता है। ठीक है, एम आर स्क्वेयर के बराबर होता है, या फिर समेशन आप कह सकते हैं आई इज इक्वल टू वन टू एन, अगर हम इसमें स्मॉल मैसेज कंसिडर करें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो एम आर स्क्वेयर के बराबर होता है। अगर आर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास स्मॉल होगा, यानी कि आर की वैल्यू स्मॉल होगी, तो आई जो है वो भी हमारे पास स्मॉल हो जाए, यानी कि उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल हो जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल होगा तो स्टूडेंट्स उसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू होगी वो बहुत लार्ज होगी, यानी कि जब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो वो बॉडी है वो इजिली जो है वो अपनी रोटेशन जो है वो मतलब परफॉर्म करती है, यानी कि उसके उसकी जो एंगुलर स्पीड होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन होती है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और लेकिन जो हमारे पास टॉर्क है यानी कि टर्निंग इफेक्ट है वो बैलेंस रहता है, या फिर आप उसे ये कह सकते हैं कंजर्व
क्वांटिटी रहती है हमारे पास, उस केस में कि अगर हम एक्सटर्नल जो फोर्सेस या फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं उनको कंसिडर ना करें, यानी कि आई और अल्फा जो है, यानी कि अगर आई हमारे पास लेस होगा तो अल्फा जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, और ओवरऑल जो टॉर्क है यानी कि टर्निंग इफेक्ट जो है उस बॉडी में वो हमारे पास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब दूसरे केस में अगर हम देखें, यानी कि सेकंड केस में जो दिखाया गया कि डिफिकल्ट रोटेशंस परफॉर्म कर रहा है ये मैन, वो उसकी वजह क्या है कि सेंटर से अगर आप देखें तो डिस्टेंस, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर जो है वो लार्ज हो गया, यानी कि जब आर की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज कर गई, सेकेंड केस में आर की वैल्यू जब हमारे पास इंक्रीज कर गई तो इसका मतलब है आई भी हमारे पास इंक्रीज कर गया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया इस बॉडी का ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया स्टूडेंट्स के हमारे पास जो एंगुलर एसेलरेशन होगी, यानी कि अल्फा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, एंगुलर एसेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपने ओवरऑल टॉर्क को जो है वो कंजर्व रखना है, और ये हमारे पास एक लॉ है जो कि लॉ हमारे पास कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में भी देखेंगे इस चीज को डिटेल में, लेकिन यहाँ इसका कॉन्सेप्ट देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको ये समझ आए कि हमारे पास जब आई की जो डिपेंडेंस आ रही है एंगुलर एसेलरेशन पे वो किस तरह से आती है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ जो है उसके लिए जो एंगुलर एसेलरेशन प्रोड्यूस करना है इस बॉडी में वो मुश्किल हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इंक्रीज होने की वजह से, जिसकी वजह से जो है हमारे पास रोटेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी, लेकिन जो टर्निंग इफेक्ट है वो आपके पास एक कंजर्व्ड क्वांटिटी रहती है, जबकि ये दोनों जो है वो अपने आप को जो है वो चेंज करते हैं, एक दूसरे के मुताबिक जो है वो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास आर की वैल्यू स्मॉल होगी तो आई की वैल्यू स्मॉल होगी, और इस केस में एंगुलर एसेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से यहाँ ज्यादा रोटेशन हो जाएंगे, और यहाँ जो है वो कम रोटेशन होगी क्योंकि एंगुलर एसेलरेशन की वैल्यू जो है वो कम होगी आई की इंक्रीज होने की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हमने रिजिड बॉडीज के लिए भी देखा है और पॉइंट पार्टिकल्स के लिए भी कैलकुलेट किया है।